मैं नेहा सिंह आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द फुल वॉल्यूम में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की और आप जानेंगे आज का दिन इतिहास में क्यों है खास। प्रश्न एक, किस बैंक ने डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सही जवाब है ऑप्शन डी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आपको बता दें कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने डिजी स्मार्ट क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया। ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, फैशन, ग्रोसरीज और फूड डिलीवरी जैसी ई कॉमर्स कैटेगरीज पर इस क्रेडिट कार्ड के जरिए डिस्काउंट और फायदे मिलेंगे। नया क्रेडिट कार्ड हर महीने में 49 रुपए की फीस पर उपलब्ध होगा। अगर पिछले महीने में कस्टमर ने 5,000 या उससे ज्यादा का खर्च किया है तो यह 49 रुपए भी वेव ऑफ हो जाएंगे। प्रश्न दो, उत्तर प्रदेश पुलिस ने बेहतर कम्युनिटी पुलिस के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए प्लान, ऑप्शन बी प्लान, ऑप्शन सी प्लान, ऑप्शन डी प्लान। सही जवाब है ऑप्शन सी प्लान। राज्य में अराजक तत्वों पर नजर रखने के लिए यूपी पुलिस ने यह ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप पुलिस को मिलने वाले जानकारी को वेरीफाई करेगी और आपराधिक गतिविधियों का समय से मुकाबला करने में मदद करेगी। डिपार्टमेंट ने हर गांव से 10 लोगों की पहचान की है जिन्हें संभ्रात 10 कहा जाएगा। वे अराजक तत्वों के बारे में सूचित करेंगे। प्रश्न तीन, BSNL ने देश में इंटरनेट का नया युग शुरू करने के लिए किस सर्विस को शुरू किया है? ऑप्शन ए BLV5 सर्विसेज, ऑप्शन बी IPV6 सर्विसेज, ऑप्शन सी INX10 सर्विसेज, ऑप्शन डी AIA9 सर्विसेज। सही जवाब है ऑप्शन बी IPV6 सर्विसेज। BSNL ने अगले ट्रिलियन यूजर्स इंसेंटिव को लॉन्च किया है। इस सर्विस को बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है। कुछ हफ्तों में यह सुविधा सभी कस्टमर्स को मिलने लगेगी। IPV6 में हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल्स है। प्रश्न चार, कांग्रेस की किस नेता का निधन हुआ है जो कि 1998 से 2004 तक राज्यसभा का मेंबर भी रहे हैं? ऑप्शन ए सुखदेव सिंह लिबड़ा, ऑप्शन बी शीला दीक्षित, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज, ऑप्शन डी अरुण जेटली। सही जवाब है ऑप्शन ए सुखदेव सिंह लिबड़ा। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सुखदेव सिंह लिबड़ा की 87 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गई। वह 14वीं और 15वीं लोकसभा के मेंबर भी थे। लिबड़ा 1985 में पंजाब में MLA भी थे। लिबड़ा शिरोमणि गुरुद्वार प्रबंधक कमेटी में भी मेंबर थे। अन्य करंट अफेयर्स के खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल द फुल वॉल्यूम से। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।